सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे पूर्व एम शिवसेना शिंदे गुट से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी महेश गायकवाड़ ने कल्याण पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी दर्ज की है, जिससे उन्हें भारी जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है। जनता की इस भीड़ को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार चुनाव परिणामों में अप्रत्याशित मोड़ आ सकता है। भाजपा, शिवसेना, ठाकरे गुट, वंचित बहुजन आघाड़ी और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। महेश गायकवाड़ ने फॉर्म भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत में शहर की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शहर पूर्व में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, सड़कें खराब हैं, गार्डन जर्जर हैं, स्कूलों की हालत खराब है और अस्पतालों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है, जिससे नागरिकों को असुविधा हो रही है। उन्होंने महायुति के उम्मीदवार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो व्यक्ति पुलिस थाने में गोली चलाने का साहस करता है, उसके परिवार को टिकट कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उस व्यक्ति के स्थान पर कोई और होता तो उन्हें यह कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। महेश गायकवाड़ की उम्मीदवारी और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों ने चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया है, जिससे अब सभी दलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। ये कल्याणपुर की समस्या जिस तरह से खराब है, रास्ते, पानी, लाइट, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे स्कूल के विद्यार्थियों को अच्छा स्कूल नहीं है, यहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ भी यहाँ पे ये बेस नहीं है। इसीलिए मुझे नागरिकों ने समर्थन दिया और नागरिकों ने कहा है कि आप हमारे तरफ से चुनाव लड़ना चाहिए। एक भ्रष्टाचारी और एक ना करते इंसान के खिलाफ ये नागरिकों की निवडणूक है। महायुति के जो वरिष्ठ नेता है, वो जो बार बार युति धर्म का पालन करने का अपील उन्होंने कार्यकर्ताओं से की है, यहाँ पे आपने बगावत की है, इससे कहीं ना कहीं महायुति को नुकसान होगा आपका? महायुति का धर्म की बात हमें सिखाना नहीं, ऐसा मैं उनको कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब माननीय श्रीकांत शिंदे साहब जब महायुति के उम्मीदवार खासदारकी को खड़े थे, तब इन्होंने उम्मीदवारी दी है, वो उम्मीदवार उस उबाटा के उम्मीदवार के साथ गला भेद कर रही थी, उनको हस्तालंगर कर रही थी, उनका प्रचार कर रहे थे, तब महायुति ने वो सोचना चाहिए था। आज इस कल्याणपुरों के जो दशा हुई है, जो दुर्दशा हुई है, उसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि आप कोई भी उम्मीदवार दो, वो जिसने भ्रष्टाचार किया है, यहाँ पे कोई भी विकास किया नहीं, यहाँ पे या कल्याणपुर का शोषण किया, ऐसे व्यक्ति को आप उम्मीदवार न दे, किसी और को दे, हम लोग सब काम करते थे। शिवसेना की तरफ से एक फतवा जारी किया गया है कि जो भी महेश गायकवाड़ के साथ काम करेगा उसे शिवसेना की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। आज तो काफ़ी बड़े संख्या में जो हमारे पक्ष के कार्यकर्ता है, नगर से लोग है, वो यहाँ पे आए, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। मुझे इतना ही कहना है कि ये सामान्य नागरिकों की इलेक्शन है, यहाँ पे जो भ्रष्टाचारी जिसने काम नहीं किया है, कोई भी प्रकार का विकास नहीं किया, ये कल्याणपुर की अलग इलेक्शन है महाराष्ट्र में।